टूटू का डांस देखिए, वाह क्या मस्त डांस है, डिस्को डांसर टूटू, टूटू द डिस्को डांसर। नो कमिया, देखिए टूटू यहाँ पर आके हमारा जो डॉग है उन सबको देखता रहता है, बहुत बदमाश है ये। तो फाइनली हमने डिसाइड कर लिया है इस ग्रे बेबी का नाम, इसका नाम है। और एक इम्पोर्टेंट चीज आपसे मैं कहना चाहता हूँ, लास्ट कुछ दिनों से बहुत सारा इस तरह का केस हुआ है, प्रॉब्लम हुआ है बहुत सारे व्यूअर्स के साथ। बहुत सारा व्यूअर्स है जो कमेंट कर देते हैं कि बर्ड मिलेगा, आप एडवांस पे कर दीजिए, इस नंबर पर पेमेंट भेज दीजिए, आपके घर पर पहुंच जाएगा। तो दोस्तों प्लीज इन सब मैसेज से, इन सब लोगों से आप दूर रहे। रिसेंटली कुछ व्यूअर्स का ये प्रॉब्लम हुआ है, उनके साथ फ्रॉड हुआ है, पेमेंट उन्होंने कर दिया है, उनमें से बहुत सारा छोटा कम उम्र का लोग है, लड़का या लड़की होगा मुझे तो पता नहीं है। रिसेंटली बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझे कमेंट किए, इंस्टाग्राम पर मुझे डीएम किए कि मेरा इस तरह फ्रॉड हो गया है, मुझे बचाइए, मैं क्या करूं। देखिए इस सब बारे में, इस सब रिलेटेड मैटर में मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, तो प्लीज़ आप अपने से खुद से केयर करें, इन सब चीज़ों से दूर रखें। मैं तो इसके सिवा और मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। और एक वीडियो में आप सबका फिर से स्वागत है टूटूज ब्लॉग में। दोस्तों हमारा ये ग्रे बेबी का आज 65 डेज एज हो रहा है। तो फाइनली हमने डिसाइड कर लिया है इस ग्रे बेबी का नाम, इसका नाम है बेबो, BEBO, बेबो। हाय बेबो। इसका पंख भी अभी तक से पूरा नहीं आया है, अगर आप देखेंगे इसका क्रॉप जो है इस पर आ चुका है और गले पर थोड़ा भी बाकी है और पूंछ भी अभी तक पूरा नहीं आया है। लगभग 100 दिन या 3 महीने के बाद ये पूरा आ जाएगा। आज हम इसको दूसरे घर पर लाए तो इसलिए थोड़ा ये चुपके से नीचे बैठ गया है। दोस्तों टूटू के बिना तो वीडियो बनता ही नहीं है, टूटू हर वीडियो में थोड़ा बहुत साइड रोल या मिड रोल पर रहता है, लेकिन हम अभी से टूटू को हर एक वीडियो में ला रहे हैं क्योंकि टूटू बहुत दिन वीडियो से गायब था। अभी जो चल रहा है ये मोल्टिंग सीजन चल रहा है, अगर आपको देखकर ही पता चल जाएगा टूटू का जो फेदर है ये भी खराब हो चुका है और नीचे से भी एक नया फेदर आने लगा है। एक मिनट, और ये देखिए इसको भी मेरे हाथ से खेलना पसंद है। तो बेबी बर्ड को कुछ टाइम खुला छोड़ देना चाहिए, ये अपने आप कुछ कसरत करेगा या फ्री रहेगा तब इसका मूड भी अच्छा रहेगा, हेल्थ भी अच्छा रहेगा। और यहाँ पर आ गया है भूटू। हाय भूटू। आज यहाँ पर इस मंच पर तीनों अवेलेबल है, टूटू भूटू एंड बेबो। देखिए टूटू यहाँ पर डांस करना चालू कर दिया है, टूटू का डांस देखिए, टूटू का डांस देखिए, वाह क्या मस्त डांस है, डिस्को डांसर टूटू, टूटू द डिस्को डांसर। इसको दिन में केज में रखते हैं क्योंकि अभी वेदर थोड़ा गर्म हो चुका है तो इसलिए बॉक्स पे रखने की जरूरत नहीं है। बहुत सारा क्वेश्चन आया था कि हमारे पास बेबी है क्या हम उसको बॉक्स पे रखें, तो देखिए अभी समर टाइम आ चुका है, अभी बॉक्स पे रखना ज़रूरी नहीं है। अगर एकदम छोटा बर्ड है, पूरा फेदर नहीं आया है तो आप रख सकते हैं। ये देखिए धीरे धीरे ये उठ जाएगा, अभी तो ये बहुत बदमाश भी हो चुका है, घर पे जहाँ पर ये रहता है वहाँ पर अगर हम इसको खुला छोड़ देंगे नीचे तो ये खुद से जाके सब कुछ काटने लगता है। केज के बाहर आते ही ये खुद से दौड़ भाग शुरू कर देता है। मैं तो हर एक प्रॉब्लम का जिसको मैंने फेस किया है और आपका जो जो कमेंट था या कमेंट आप लोग करते हैं उसके ऊपर मैं हर एक वीडियो में जाके मैं उसका रिप्लाई दिया या क्या करना चाहिए मुझे जितना एक्सपीरियंस है मैंने बताया। तो प्लीज़ वीडियो को देखा करा कीजिए, वीडियो में मैं हर एक प्रॉब्लम का मैं सोल्यूशन और क्या करना चाहिए क्या कब होगा मैं बताता रहता हूँ, तो आप बिना देखे बिना जाने बार बार सेम कॉमेंट करते रहते हैं।
तो आप सबसे रिक्वेस्ट यही है, अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो चैनल पर जाके आप उस वीडियो को ढूंढें और देखें। इसको अभी 4 टाइम फीड मैं करवाता हूँ 50 ml करके, थोड़ा कम कर दिए क्योंकि इसका एज 65 डेज हो चुका है और ये भी सेम प्रॉब्लम कर रहा है। वीडियो बनाने का मकसद यही था मुझे कि बहुत सारा व्यूअर्स अभी जो रिसेंटली कमेंट करते हैं कि हमारा बर्ड नहीं खाना चाहता है या खिलाने के बाद ये उल्टी कर देता है, खाली आपके बर्ड में नहीं है, कुदरत का यही खेल है कि बर्ड जितना जल्दी सेल्फ फीडिंग पर आएगा ये उड़ेगा, तब अपने आप उसके अंदर से इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा और वो जिंदा बच पाएगा। तो ये भी अभी जब मैं इसको 40 ml या 50 ml मैं फीड करता हूँ तब ये काफ़ी कवर ये भी उल्टी कर देता है, ये खाना नहीं चाहता है, मुंह के अंदर जाते ही ये उसको मुंडी हिला के उसको फेंक देता है, ये भी वो प्रॉब्लम करता है। खाली आपका पैरट में ये प्रॉब्लम है, शायद आप सोच के हैरान होंगे कि मेरे पैरट का बीमारी यही है कि ये प्रॉब्लम मेरे पैरट के साथ ही हुआ है, तो दोस्तों ऐसा नहीं है, ये हर एक बर्ड के साथ होता है। वो खुद से जब बड़ा होता रहता है धीरे धीरे एक एज है उसके बाद जाके ये प्रॉब्लम आता रहता है। इसको और एक चीज़ बहुत पसंद है कि इसको सहलाना, मैं इसको दिन में जितना टाइम मैं खिलाता हूँ उसके बाद मैं इसको क्लीन करता हूँ और उसके बाद मैं इसको धीरे धीरे करके जब इसको मैं सहलाता हूँ या क्लीन करता हूँ तब ये चुपके से बैठ जाता है। आज एक प्रॉब्लम हुआ है इंस्टाग्राम पर, मुझे एक व्यूअर्स ने मैसेज किए, कल रात को किए थे, उनका बर्ड लगभग 30 से 35 दिन का उम्र का था, उन्होंने लिया था और वो आज सुबह एक्सपायर हो गया है। क्यों हुआ है मैं बता देता हूँ, उन्होंने बहुत सारे कोशिश भी की, ट्राई भी किए लेकिन वो बेबी बच नहीं पाया क्योंकि उन्होंने एक गलती कर दिया था, बेबी को जो सत्तू है वो खिलाया था, खिलाना भी चाहिए अगर सामने कुछ और ऑप्शन नहीं है तो, लेकिन उन्होंने थोड़ा हार्ड करके गाढ़ा करके उसको खिलाया था। तो बेबी बर्ड को कभी भी आप हार्ड फूड यानी गाढ़ा करके मत खिलाइए और आप ओवर फीडिंग मत कीजिए। तो मैं हर बार वीडियो में मैं ये बोलता रहता हूँ कि आप जहाँ से भी लाए सेलर से या कहीं से भी, तो वो आपको बोलेगा आप दाल चावल ये सब खिलाइए बेबी को, तो इस तरह का फूड नहीं खिलाना चाहिए। तो आप इन सब चीज़ों पर ध्यान रखें, अगर पॉसिबल है आप अच्छे से अच्छा फूड आप प्रोवाइड कीजिए, जैसे कि A19, बजट कम है तो आप पेट्स लाइफ हैंड फीडिंग फार्मूला आप दे सकते हैं, अगर पॉसिबल नहीं है तो आप सत्तू दे या इमरजेंसी पर्पस आप सत्तू दे, अगर आप सत्तू दे रहे हैं तो एकदम लिक्विड करके दे, यानी एक स्पून अगर सत्तू होगा तो 50 ml उसके साथ पानी होगा, थोड़ा सा गर्म पानी, खाने लायक पानी और 2 ड्रॉप न्यूपेप्टिन। दिन में आप जितने बार खिला रहे हैं उसमें आप न्यूपेप्टिन जरूर हर बार दे, और दिन के सुबह यानी मॉर्निंग टाइम जो आप फीड करवाते हैं उसमें आप 2 ड्रॉप विटामिन दे, जो कमी है फूड में वो पूरा करने के लिए। बहुत सारे व्यूअर्स ने कमेंट किए कि हमारा बेबी बर्ड कितना टाइम तक, देखिए मम्मी जी इसको इसका फूड लेके आ गया है, ये है पपाया, इसको हम अभी केज में देंगे, यहाँ पर तो नहीं खाएगा, केज पर देंगे तब ये खाएगा, अभी तो ये डर रहा है क्योंकि हम दूसरे घर पर आया है। दिन में एक बार आप विटामिन दे और बाकी जितने बार आप वेट करवा रहे हैं उतने बार आप उसको न्यूपेप्टिन दे। अगर आप अच्छा हैंड फीडिंग फार्मूला यूज कर रहे हैं जैसे कि A19, हर बार न्यूपेप्टिन देने की जरूरत नहीं है, एक या दो बार देंगे तो चलेगा। जैसे कि मैं अभी इसको फीड करवा रहा हूँ मैं A19, तो दिन में मुझे 4 बार इसको फीड करवाना पड़ता है और मैं 2 टाइम इसको न्यूपेप्टिन देता हूँ 2 ड्रॉप करके, क्योंकि वो बर्ड के लिए बना है, अच्छा फूड है, वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। ये जब अकेला रहता है तब ये बहुत बात करता है, बहुत खुद से बक 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 क्या न जाने क्या वर्ड बोलता रहता है। तो दोस्तों आज वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करना था इसलिए हमने बता दिया है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है, इस तरह प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं, तो आप मुझे ओनली इंस्टाग्राम पर मुझे कॉन्टेक्ट करें। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना सही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।